सबसे पहले मरीन इंश्योरेंस क्या है, मैरीन इंश्योरेंस। अब मैरीन इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो मैरीन इंश्योरेंस को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस का मतलब समुद्र में जो सामान हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका जो समुद्र का जो बहुत बड़ा जहाज होता है ना, शिप होता है, जिसमें एक्चुअली हम कार्गो कंटेनर्स भेजते हैं, उसे हल कंसिडर करते हैं, तो हल इंश्योरेंस हो गया। दूसरा फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट का मतलब किराया भाड़ा, जो शिपिंग कंपनी, एक्चुअली शिपिंग नहीं है वो, कार्गो की जो कंपनीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसफर करके ही तो पैसे अर्न करती हैं, तो वो जो अर्निंग होगी दैट इज फ्रेट। फ्रेट का भी इंश्योरेंस होता है। और तीसरा जो है, एक हल इंश्योरेंस हो गया, एक फ्रेट इंश्योरेंस हो गया, तीसरा है कार्गो इंश्योरेंस, तो जो सामान आप एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट करा रहे हैं उसका इंश्योरेंस। तो ये हो गया मोटा मोटी मरीन इंश्योरेंस। ये तीन चीजों का इंश्योरेंस किया जाता है। आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है जरा देखते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस एंड कवर ऑल द मरीन पेरल्स। ये सबसे पुराना तरीके का इंश्योरेंस है, सबसे पुराना इंश्योरेंस है, और ये पूरी तरीके से जितने भी मरीन पेरल्स है ना सबको कवर करता है। अगला पॉइंट कह रहे हैं द पेरिल्स ऑफ द सी आर फायर। देखिए समुद्र के जहाज में आग भी लग जाता है कई बार, चलती फिरती कार बाइक में तो आग लग जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार, तो समुद्र के जहाज में भी कई बार आग लग जाता है। तो इन्होंने बोला द पेरिल ऑफ द सी आर फायर, अटैक्स बाय एनिमी, ठीक है, पायरेट्स, थीव्स, जेटिसन, बैरेट्री, कोलिजन एंड अनदर शिप एंड रॉक्स एसेट्रा। तो ये सारा का सारा पेरिल्स है, और ये सारी की सारी चीजों को मरीन इंश्योरेंस में क्या किया जाता है, कवर किया जाता है मरीन इंश्योरेंस में। अगला पॉइंट कह रहे हैं विथ ऑल दिस पेरिल्स नॉट ओनली द शिप्स डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड बट देयर इज ऑल्सो द लॉस ऑफ कार्गो एंड कॉन्सिक्वेंटली द लॉस ऑफ फ्रेट। इन्होंने कहा कि इन सारे पेरिल्स से सिर्फ शिप ही डैमेज नहीं होता या डिस्ट्रॉय नहीं होता, इसके साथ साथ कार्गो को भी नुकसान पहुंचता है, और कुछ कॉन्सिक्वेंटली लॉसेस लॉस भी होते हैं फ्रेट के, किराए भाड़े के भी नुकसान हो जाते हैं। आगे कह रहे देयर फॉर द मरीन इंश्योरेंस कवर द रिस्क ऑफ शिप कार्गो एंड फ्रेट ऑन हाई सीज। हाउ एवर विद द ग्रोइंग डिमांड मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी नाउ प्रोवाइड्स कार्गो प्रोटेक्शन फ्रॉम टाइम द गुड्स लीव द वेयर हाउस अंटिल इट रीचेस द बायर्स गोडाउन एट द डेस्टिनेशन, दस इनलैंड रिस्क आर ऑल्सो कवर्ड। तो इन्होंने बोला कि समय के हिसाब से चीजें बहुत परिवर्तित हो रही हैं, तो आज के टाइम में मरीन इंश्योरेंस में क्या है कि अब ये इनलैंड रिस्क भी कवर करता है। इसका मतलब ये समझिएगा कि अगर आप मुंबई में किसी गोडाउन से साउथ अफ्रीका किसी गोडाउन तक अगर कोई सामान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, तो मुंबई के गोडाउन, वो जो वेयर हाउस है, वहां से जब तक आपके जो कार्गोज हैं वो साउथ अफ्रीका के गोडाउन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक पूरा का पूरा इंश्योरेंस है। मतलब इसका मतलब जो रोड है, रोडवेज भी कवर है, रेलवेज भी कवर है, पूरा का पूरा जो आपका वोएज है, जो समुद्र की यात्रा है, वो भी पूरा एडवेंचर कवर है, साथ ही साथ डेस्टिनेशन पे रोडवेज और रेलवेज भी कवर है, तब तक जब तक आपका जो गोडाउन का सामान है वो उस गोडाउन तक नहीं पहुंच जाता, या वेयर हाउस का सामान उस वेयर हाउस तक नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब मरीन इंश्योरेंस में समुद्र के साथ साथ इनलैंड रिस्क को भी कवर करना शुरू कर दिया है, और ऐसा होता है।